नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सभी को इंतज़ार होगा कि आज यानी कि 20 जुलाई को यानी कि आज के दिन क्लास 10th का CBSE का रिजल्ट आने वाला है, तो आप सभी लोग उसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड ने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पर बोर्ड खरा नहीं उतरा है, यानी कि बोर्ड आज आपको क्लास 10th का रिजल्ट देने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है जिसके कारण बोर्ड को अपना निर्णय बदलना पड़ा। वैसे आपको मालूम कि बोर्ड जब भी बोलता है कि हम इस तारीख को रिजल्ट देंगे उसी तारीख को रिजल्ट आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण बोर्ड नहीं बल्कि स्कूल से, जो स्कूल को रिजल्ट बनाने के लिए दिया था उन स्कूलों ने क्या किया कि रिजल्ट टाइम पर नहीं बनाया, और टाइम पर जो जिन लोगों ने बनाया है वो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है। ज़्यादातर स्कूलों की गलती के कारण आपका रिजल्ट रुक गया है। गलती क्या है कि हर स्कूल ये चाहता है कि मेरा स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा हो, यानी कि हर स्कूल ने ये सोचा कि यार अगर मेरे स्कूल के बच्चे टॉप करेंगे, मेरे स्कूल के बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे, हमारे स्कूल का नाम आगे जाएगा यानी ऊँचा हो जाएगा, हमारे जो शहर में हमारे स्कूल का नाम टॉप पर आएगा। इस वजह से सभी स्कूलों ने क्या किया कि अपने बच्चों को जो मार्क्स देना था वो ज़रूरत से ज़्यादा दे दिए। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे बोर्ड ने बताया था, जो रेंज बोर्ड ने दी है उसी रेंज के हिसाब से बच्चों को मार्क्स देना था, लेकिन स्कूल्स ने ऐसा नहीं किया, इसलिए बोर्ड ने सारे स्कूल्स के जो रिजल्ट है वो रोक दिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि ओनली अजमेर रीजन में ही 855 स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों के ऊपर बोर्ड ने नोटिस दिया, बोर्ड ने उनको नोटिस दिया है और उन पर जाँच बिठाई है कि पता करिए कि इन्होंने इतने नंबर्स क्यों दिए, उसकी वजह पूछी गई है। तो और ऐसा नहीं कि केवल इसी रीजन में ऐसा हुआ है, भारत के अक्सर रीजन में ऐसा हुआ है कि स्कूल ने अपने जो स्टूडेंट है उनको नंबर जरूरत से ज़्यादा दे दिए। जो क्राइटेरिया और जो गाइडलाइन बोर्ड ने प्रोवाइड की थी, उस गाइडलाइन उस क्राइटेरिया को स्कूल फुलफिल नहीं कर पाए और अपना रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे नंबर्स दे दिए बच्चों को, बल्क में नंबर दे दिए, जिसके कारण बोर्ड ने इस चीज़ को पकड़ लिया और सारे स्कूल के जो रिजल्ट है उनको रोक दिया। अब क्या होगा, आपका रिजल्ट और डिले हो जाएगा। जैसे आना था आज 20 तारीख को रिजल्ट आना था, लेकिन ये रिजल्ट और भी डिले हो जाएगा। अब डिले कितना होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जितने स्कूल को जो नोटिस दिए गए हैं और जो जांच बिठाई गई है, जब तक उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से बोर्ड के पास नहीं आ जाती है तब तक आपका ये रिजल्ट आना मुश्किल है। और जिन स्कूलों से जो मिस्टेक हुई है या उन्होंने जो मिस्टेक की है वो हायर रेंज में की है, मतलब जो 90 से ऊपर जो नंबर है बच्चों के या 80 से ऊपर वाले जो रेंज के बच्चे, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा दे दिए, इस वजह से इसे प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है इसके बाद ही रिजल्ट ओपन होगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो ये था आज का अपडेट, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो जैसे ही नया अपडेट आएगा, जैसे ही आपके रिजल्ट की घोषणा होगी, मैं सबसे पहले आके आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।